गॉडफादर फिल्म का शूटिंग 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और अब खेसारी लाल यादव अपनी और कई सारी फिल्मों के शूटिंग में लग चुके हैं। एक ही साथ दो दो फिल्मों का शूटिंग स्टार्ट है, दो तीन फिल्मों का अनाउंस हो चुका है, शूटिंग करना अभी बाकी है। एक एक करके खेसारी लाल यादव के कई सारे फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन टारगेट करेंगे गॉडफादर को और गॉडफादर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप सभी को ऐसी वीडियो मिलती रहे। गॉडफादर फिल्म के शूटिंग से बहुत सारे क्लिप वायरल हैं। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के कई सारे कैरेक्टर होने वाले हैं, जिनमें से दो कैरेक्टर वायरल है, पहला ये और दूसरा ये। फिल्म में जो सबसे अच्छा लगा वो है खेसारी लाल यादव का लुक, जिसे देख के लगता है कि फिल्म में कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इन दोनों कैरेक्टर को देख के लगता है कि फिल्म की स्टोरी जबरदस्त होगी, लव स्टोरी पे डिपेंड नहीं होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पराग पाटिल, प्रोड्यूसर है रत्नाकर कुमार और फिल्म में खेसारी लाल यादव एज अ हीरो नजर आने वाले हैं और उनके साथ नजर आने वाली है यामिनी सिंह। बात करें फिल्म की बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच में है, जो किसी नॉर्मल भोजपुरी फिल्म से कहीं ज्यादा है। इस समय खेसारी लाल यादव की जितनी भी फिल्में आ रही हैं सब हाई बजट की आ रही हैं। संघर्ष 2 5 से 6 करोड़ के बीच में, रंग दे बसंती 3 करोड़ और एक लो बजट की फिल्म आई थी जिस फिल्म का बजट है 46 लाख, वो फिल्म लगातार 3 हफ्ते से सिनेमा हॉल में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और अभी उसका पूरा कलेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। खैर गॉडफादर का 90% से ज्यादा शूटिंग कम्प्लीट हो चुका है और अब आपको कभी भी इसका सेकेंड लुक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव की और कई सारी फिल्मों का शूटिंग चल रहा है। रंग दे बसंती फिल्म का शूटिंग कश्मीर में जोरों शोरों से किया जा रहा है। अवैध 2 का शूटिंग चल रहा है। योद्धा वीर लोरिक पे फिल्म अनाउंस हो चुकी है और इसका भी बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा। बाकी आपको खेसारी लाल यादव की कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।